सब्सक्राइब करें देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक जंगल की बात है, एक गाय तृण चर रही थी। उसी समय धीरे धीरे सिंह उस गाय की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे इस बात का अनुभव गाय को भी हुआ कि सिंह मेरी तरफ बढ़ रहा है। तो गाय अपने प्राण बचाने के लिए, उस सिंह से अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। और जब गाय इधर उधर भागने लगी तो उसका पीछा करते हुए सिंह भी उसके पीछे भागने लगा। सिंह उसके पीछे भाग, गाय के पीछे। गाय आगे आगे, सिंह पीछे पीछे। गाय जब भाग रही थी तो सामने एक सरोवर थी, उसमें जल तो पूरा नहीं था, लेकिन प्राण बचाने के लिए गऊ उस सरोवर में भी चली गई। और जब सरोवर में गऊ गई तो पीछा करते करते सिंह भी गऊ के पीछे गया। सिंह दौड़ा और सरोवर में प्रवेश किया। जब सरोवर में प्रवेश किया तो सरोवर में जल तो ज्यादा नहीं था, लेकिन उस सरोवर में कीच थी, जिस कीच में गऊ और सिंह दोनों धंसने लगे, दोनों धंसने लगे। और स्थिति यह हो गई, सिंह गाय से बहुत पास में है, बहुत पास में है, और दोनों ही धीरे धीरे जा रहे हैं। दोनों सिर्फ और सिर्फ गर्दन तक बचे हैं, बाकी का पूरा शरीर धीरे धीरे उस कीचड़ में फंस रहा है। अचानक से गाय ने सिंह की ओर मुड़ के देखा और उस सिंह से पूछा, तेरा कोई स्वामी है? मेरा स्वामी? मेरा स्वामी कौन हो सकता है? मैं, तू जानती नहीं, जंगल का राजा हूं, मेरा कोई स्वामी नहीं होता है। और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। गाय ने कहा, मेरा तो स्वामी है। तेरा स्वामी नहीं है, मेरा तो स्वामी है। अरे बोल, तेरे स्वामी होने न होने से क्या फायदा, जिस स्थिति में मैं हूं उस स्थिति में तू भी तो है, तू भी तो उसी स्थिति में, कौन सी बड़ी बात है? तेरे स्वामी है, मेरा स्वामी नहीं है, इससे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तू जानती नहीं है, मैं जंगल का राजा हूं, अपार शक्ति का मालिक हूं मैं। गऊ ने कहा, वो तेरी अपार शक्ति इस स्थिति में किस काम की, वो तेरी अपार शक्ति इस स्थिति में, जिस स्थिति में मैं और तू हैं, किस काम की? यहां तो किसी काम की नहीं। अरे तो बोले, तू तेरे ही किस काम की? बोले, तेरा स्वामी कोई है कि नहीं? बोले, नहीं। बोले, मेरा स्वामी है तो उसे क्या फायदा होगा? बोले, फायदा होगा जब मेरा स्वामी शाम को अपने घर जाएगा और उन गायों में मुझे नहीं देखेगा तो वो मुझे ढूंढने आएगा यहाँ, और मेरे जान जाने से पहले अगर उसको याद आ गई तो वो मुझे निकाल लेगा और मेरी जान बच जाएगी। पर तुझे कौन निकालेगा, तेरा तो कोई स्वामी है ही नहीं। गऊ का ये कहना पूरा हुआ ही था, इतने में एक किसान आया और उस किसान ने देखा मेरी गाय फंसी हुई है, वो तुरंत रस्सी लेके आया और रस्सी से अपनी उस गाय को बचाया। और जब उस गाय को बचाया तो गाय ने भी अपनी नजरों से उस किसान को थैंक यू कहा, और किसान ने भी अपनी नजरों से उस गाय को थैंक यू कहा। कहा, तुम जीवन भर हमको दूध देके हमको हमारे बच्चों को पालती हो,
इसलिए आप हमारी माँ हो और अपनी माँ को बचाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। गाय ने उस सिंह की तरफ देखा, गाय ने उस सिंह की तरफ देखा, किसान ने भी उस सिंह की तरफ देखा, लेकिन चाहते तो थे उसको भी बचा लें, परंतु उसके स्वभाव के कारण उसे बचाने की हिम्मत नहीं हुई। सिंह की जान चली गई और गौ को किसान बचाकर चला गया। अब आप ये सोच रहे होंगे ये मतलब क्या है, मतलब भी समझिए। ये जो संसार है यही वो सरोवर है जिसमें हम और आप सब फंसे हुए हैं। ये जो संसार है ये वही सरोवर है, वही दलदल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। गाय जो है वही जीव है, गाय जो है वही जीव है, और सिंह जो है वो हमारा अहंकारी मन है। सिंह जो है वो हमारा अहंकारी मन है, और मालिक जो है वो हमारा सद्गुरु है। अहंकारी जीव, अहंकारी मन दलदल में फंसे रहने के बाद भी अपनी ताकत पर यकीन करता है, लेकिन गौ रूपी वो जो जीव है वो अपने गुरु, अपने स्वामी पर भरोसा करती है। दलदल में फंसने के बाद भी उसे यकीन होता है, जब मेरे मालिक को पता चलेगा, मेरा मालिक जरूर आएगा और मुझे इस दलदल से निकाल कर ले जाएगा। सच यही है, जिनके जीवन में गुरु आ गए हैं उनके जीवन में से, इस दलदल में से गुरु ने इस जीव को निकाल लिया है, और अहंकार करने वाले सिंह, अपनी पावर पर अहंकार करने वाले लोग इसी दलदल में हमेशा के लिए फंसे रह जाते हैं, और ना सिर्फ फंसते हैं उनका जन्म जन्मांतर बर्बाद हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।